फ्यूचर ऑफ इंडिया ब्रॉसरी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग हाउसिंग डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्टकट में इस कंपनी को HDIL के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि कंपनी पर कर्जा ज्यादा होने की वजह से कोर्ट में इस कंपनी का विवाद चल रहा है। NCLT में अभी मामला लटका हुआ है और अभी यह स्टॉक जो है IRP स्टेज वन में है। IRP स्टेज वन का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस। इसमें जब कोई स्टॉक चला जाता है IRP में तो उसमें ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है। जब BSE की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस स्टॉक में ट्रेडिंग बंद है, यानी कि आप इस स्टॉक को अभी बाय सेल नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। और मैं यह भी बताऊंगा कि कब से इसमें ट्रेडिंग शुरू होगी और यदि आपका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है और कोई नया व्यक्ति इसमें एंट्री लेना चाहते तो उन्हें क्या करना चाहिए। साथ में यह भी बताऊंगा कि इस स्टॉक से रिलेटेड नया न्यूज़ क्या निकल कर सामने आया है कंपनी के प्रमोटर से संबंधित। इसमें ट्रेडिंग कब से शुरू होगी, क्योंकि एक एक दिन में देखेंगे तकरीबन 4-5% की तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिलने लगी है, तो क्या इस कंपनी के अच्छे दिन आने लगे हैं। चलिए शुरुआत हमेशा की तरह हम लोग शुरू से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंपनी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रोवाइड कराती है। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है। रियल एस्टेट में क्या होता है कि मकान वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनवा के दिया जाता है, फ्लैट बिल्डर्स लोग देते हैं लोगों को जिसको जरूरत होती है। तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी मकते देखिए काम के बिहार पर मान सकती है कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि रियल एस्टेट के सेक्टर में स्टॉक मार्केट में हमेशा बुलंदी समय के साथ बनी ही रहेगी, समय के साथ इसमें तेजी ही आएगी। तो इसलिए काम तो मायने रखता है, इस स्टॉक का काम काफ़ी बढ़िया है। फंडामेंटल समझे तो मार्केट के तकरीबन 223 करोड़ के आसपास, यानी कि रियल एस्टेट में काम करने वाली एक छोटी सी कंपनी है। यदि जो विवाद इसमें चल रहा है, विवाद से स्टॉक बाहर आ जाता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक को मिलने के चांसेज हैं। शेयर प्राइस देखेंगे तकरीबन 4.70 रुपये के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है। हालांकि बुक वैल्यू माइनस है, तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी का कोर्ट में विवाद चल रहा है, जब तक विवाद में से बाहर नहीं निकलेगा स्टॉक का फंडामेंटल उतना आपको मजबूत नहीं दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ROE और ROC यहाँ पर माइनस आपको देखने को मिलेगा। तो जब तक स्टॉक IRP स्टेज वन में है, जब तक इसमें कोई विवाद चल रहा है तब तक आपको इंतजार करना होगा। लेकिन ओवरऑल काम के बिहार पे समझे तो बढ़िया है। आप चलिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस से स्टॉक का क्या बोलता है। तो अभी हम आ गए हैं कंपनी के एक साल के चार्ट पर, और एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो जनवरी 2023 के बाद से स्टॉक का प्राइस नीचे जाने लगा, क्योंकि न्यूज आ गया था कंपनी NCLT के विवाद में चली गई थी और IRP स्टेज में जाने की वजह से भी प्राइस, और चूंकि न्यूज बेस्ड काम होता है शेयर मार्केट में, तो आपको जब पता लगा कि स्टॉक का विवाद घराता जा रहा है तो उसके बाद प्राइस नीचे गया और जाके नीचे देखेंगे तो एक रेंज बाउंड में फंस गया और आसान भाषा में गए तो कंसोलिडेट करने लगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें यह जानना होगा कि जब भी किसी स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि कोई ये स्टॉक बहुत समय तक कंसोलिडेट नहीं कर सकता, कभी ना कभी उसे बाहर निकलेगा। और मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ 90-95% क्या चांस होता है कि जब भी ये स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो उसमें क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए इस ब्रेकआउट होने के पीछे की वजह भी है, क्योंकि आपको पता है कि अब विवाद मतलब खत्म होने की ओर अग्रसर है, विवाद अब खत्म होने की ओर है। IRP स्टेज वन में है और IRP स्टेज वन के बाद ये IRP स्टेज टू में जाएगा और उसके बाद स्टॉक IRP स्टेज टू से बाहर आ जाएगा, फिर इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव न्यूज है जिसके बदौलत स्टॉक में एक लंबा ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, और कम से कम ये ब्रेकआउट आपको कम से कम 5 रुपये तक जाएगा। क्योंकि 5 रुपये तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो पहले से इसने यहाँ पर एक छोटा सा रजिस्टेंस है, यहाँ पर प्राइस रजिस्टर करने के लिए आएगा। तो अभी आपको देखिए मैं मानता हूँ नए व्यक्ति इसमें खरीद नहीं सकते हैं इस स्टॉक को अभी, क्योंकि ट्रेडिंग बंद है, जिसके पास पहले से शेयर वो भी बेच नहीं सकते। लेकिन आपको बेचने की जरूरत ही क्या है, जैसे मैंने बताया कि कंपनी का जो काम है आने वाले समय में काफ़ी बेहतर रिटर्न देगा कंपनी के सिर्फ काम के बदौलत। और रही बात जहाँ तक फंडामेंटल की, तो जो फंडामेंटल है समय के साथ वो भी बेहतर हो जाएगा जब स्टॉक NCLT के विवाद से बाहर आएगा, कोर्ट की प्रक्रिया से बाहर आएगा। तो इसलिए आपका यदि इन्वेस्टमेंट है तो बेशक अभी बन रही है, उतनी डरने वाली कोई बात नहीं है। अब चलिए मैं बताता हूँ कि इस स्टॉक में न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं मेन प्रमोटर्स, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यूज आया है कि उनको बेल नहीं। आपको पता है कि जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस चल रहा है, ED ने उनके ऊपर केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको अभी बेल नहीं मिलेगा, बेल उनको डिनाइड कर दिया है। इस वजह से ये एक न्यूज बेस्ड है, लेकिन फिर भी देखेंगे आप तो प्राइस में तकरीबन 4% के आसपास जंप भी देखने को मिला है, उस प्राइस में गिरावट देखने को नहीं मिला है। प्रमोटर्स के पास 41% के आसपास की हिस्सेदारी है, और यदि इसमें देखें तो तकरीबन FII की भी हिस्सेदारी 16% के आसपास, DII की भी हिस्सेदारी है, ओवरऑल सबकी हिस्सेदारी इस स्टॉक में है। इसलिए क्योंकि इसका काम काफ़ी बढ़िया है, और इसलिए भी क्योंकि छोटी कंपनी, और जैसे जो भी विवाद चल रहा है विवाद से बाहर निकलेगा तो इसका स्टॉक आपको रॉकेट बनते हुए दिखेगा। आप खुद सोचिए कि जब तक ये स्टॉक अभी NCLT के विवाद में है, कोर्ट में इसका जिरह चल रहा है, फिर भी इस स्टॉक में 4-5% की तेजी देखने को मिल रही है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि हाउसिंग डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें समय देना चाहिए, नहीं है तो सही समय देखकर इसमें एंट्री लेने के बारे में आपको सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। मन में इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।